कैसे हेडशॉट मारने हैं, तो आपको है ना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मारेंगे ड्रैग हेडशॉट। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और बेल वाले आइकॉन भी दबा ही देना, और वीडियो को भी लाइक कर ही देना। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप है ना ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो, और वो सच में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और गाइस बहुत बेस्ट पॉइंट है वो 3। चलिए हम लोग हमारे पहले की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट है हमारा गन्स। और गाइस आपको ऐसी गन्स लेनी है जो ड्रैग करने में बहुत आसान हो। मैं आपको बताता हूँ कौन सी गन हो सकती है। जैसे कि आप समझ लो टॉमी और MP5 बहुत बेस्ट है वो ड्रैग करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और वेक्टर भी अच्छी बंदूक है, तो मैं आपको पहले वेक्टर से करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वेक्टर भी इतनी गंदी नहीं है, पर टॉमी और MP5 इज द बेस्ट, ठीक है। और गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बाद में बताऊँगा। पहले हम लोग ने बता दिया है गन्स। गन्स में आपको है ना मैं गाइस बता दूँ SMG ज़्यादा लेनी है ताकि आपका हेड लग पाए ड्रैग करके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे मारेंगे वेक्टर से हेड और बाकी बंदूकों से हेड, बहुत आसान होता है। चलिए हम लोग AK और स्कार से मार के दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए गाइस अभी है ना हम लोग AK और स्कार से मारते हैं। ये देखिए 205 का लग गया। और गाइस आपको भी है ना ऐसे मारने हैं तो मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताऊंगा, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और गाइस ऐसे नहीं कि मैंने वो 2 पॉइंट बताए और आपने कर लिए तो वो हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी ताकि आपको और अच्छा हो। और गाइस आप है ना SMG लीजिए, ज़्यादातर SMG लीजिए। और गाइस अभी है ना हम लोगों ने UMP और ग्रोजा से भी दिखा देते हैं कि मार सकते हैं इससे। ये देखिए ER भी अच्छी होती है, जैसे ग्रोजा हो गई। M60 से भी हेड लगते हैं, पर वो थोड़ी मुश्किल होती है, वो थोड़ी उसमें वाइपर होता है। चलिए और गाइस अभी मैं आपको है ना ये देखिए ग्रोजा से करके दिखाता हूँ। ग्रोजा एक अच्छी AR है, और इसलिए है ना मैं इसको ट्राई करता रहता हूँ, बहुत अच्छी होती है। इसकी स्किन भी है, इसके हेड बहुत अच्छे लगते हैं 214 की, और इसकी रेट ऑफ फायर भी अच्छी है गाइस, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। और गाइस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए मैं बेस्ट गन बताऊँ कि नहीं। चलिए और गाइस अभी है ना मैं आपको और बंदूक से बताऊँगा बाद में। चलिए अभी मैं आपको मेरी बेस्ट बंदूक बताता हूँ, टॉमी और MP40। MP40 की स्किन हो तो वो बहुत अच्छी होती है, पर जान देते हैं। और गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है एम। गाइस आपको एम कहाँ रखना है ये बता देता हूँ। आप देखिए इधर नीचे एकदम रखोगे तो कुछ मतलब नहीं है, आपको है ना जो है ना एम अपने हेड के बाजू में रखना है ताकि जो दूसरे के हेड हो ना उधर हमारे गोली रख सके। चलिए अभी है ना मैं आपको दिखाता हूँ नीचे है ना, तो वो दिखाता हूँ नीचे होगा तो आप क्या करोगे। बहुत देखिए हम लोग हमारी स्क्रीन देखिए, हमने इतना ड्रैग किया। अभी सर पर देखते हैं, ये देखिए सर पे रखा, ये देखिए हमारे एकदम सर के बराबर, और ये हेड देखा। बहुत आसान होता है, आप हेड के उधर ही रखिए ताकि है ना आपके हेड बहुत अच्छे से लगे। और गाइस हमारा तीसरा पॉइंट आपको मालूम ही होगा क्या है, तो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए और हेड पे एम रखने से सर बोल रहा हूँ गाइस, उसका हेड और हमारा हेड बराबर होगी तो है ना हेड अच्छे से लगेगा। तो कभी भी अपना जो एम है ना नीचे मत कीजिए, और मिडल में भी मत रखिए। आपका है ना जो एम है हेड पे होना चाहिए, क्योंकि जो पिस्तौल और गन्स होती है ना वो नीचे ड्रैग हो जाती है, क्यों मालूम नहीं। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोग कैसे मारेंगे। बेस्ट गन कॉम्बिनेशन तो आपको मालूम है, ये 2 है। ये देखिए हम लोग ने वापस हेड मार लिया, बहुत अच्छा होता है। और गाइस देखिए हम लोग वापस नीचे देखिए ऐसा रखेंगे, थॉमसन से भी मुश्किल होता है। ये देखिए बेस्ट जो है ना बहुत अच्छे से होती है। चलिए गाइस मैं आपको थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पॉइंट पे। सो गाइस थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको कैसा लेना है, आप ज़्यादा दूर मत लेना, ज़्यादा दूर लोगे तो ये देखिए रिकॉइल करेगी सब बंदूक। ये ऐसा नहीं है एक बंदूक सिर्फ, मिड रेंज दूर की बंदूक जैसे ओम वॉम नहीं करेगी, वरना आपको देखिए शॉर्ट गन बहुत रिकॉइल करेगी, तो है ना आपको है ना ऐसे नहीं करना है। और देखिए ज़्यादा पास भी नहीं आना है, जिससे ड्रैग हेडशॉट रखते हैं ना उस बंदूक से है ना ज़्यादा दूर नहीं जाना और ज़्यादा पास भी नहीं जाना, आपको मिड रेंज में करना है। मिड रेंज में आपका हेड बहुत अच्छे से लगेगा, अगर आपने एकदम पास आके किया तो है ना वो हेड पे नहीं लगेगा, जब तक हम लोग मर जाएंगे वो हमको मार देगा। ज़्यादा दूर करेंगे तो रिकॉल करेगा MP5 से भी और आपकी फेवरेट बंदूक से सब। और गाइस है ना आपको है ना मिनिमम डिस्टेंस
डिस्टेंस मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं और कम से कम भी नहीं, मीडियम डिस्टेंस लेना है, समझ रहे हो ना। और है ना आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपका ये थोड़े हैसर लग रहे हैं तो मेरे को बताना इस ट्रिक से लग रहे हैं कि नहीं। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपका दुश्मन आपके पास आए तो आपको है ना पीछे जाना है, और है ना एकदम दूर जाए तो आपको उसके आगे जाना है, समझ रहे हो। मिड डिस्टेंस कवर करना है, ये देखिए पहला खंभा और ये दूसरा खंभा, इस दूसरे खंभे से आपको फायर करना है। देखिए तुरंत हेड लग जाएगा, और आपका एम तो वैसा होना ही चाहिए ना, आपका हेड नहीं लगेगा। और आपको है ना आपकी बंदूक मैं बता देता हूँ आपकी फेवरेट, जिससे आपका ड्रैग हेडशॉट लगता है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल वाले आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैंने बोला है मिड लेन से कीजिए, और आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इसकी तो आप 100% मार पाओगे। और मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाता हूँ कि मैंने कैसे मारे अपने हेडशॉट और कैसे ड्रैग हेडशॉट मारे हैं, चलिए देखते हैं।